चलना बे, लाड भी आ रहा था भाई, भाग उठ जा भाई। हाँ बेस की आग, आग लगा देता, आग लगा देता, भाग बेस की आग। इसे मर जाऊंगा, भले भले चाहे मर जाऊंगा भाई, लेकिन वो नहीं होगा भाई, भले मर जाऊंगा मैं, बट भाई उसके उसके हाथों ना आऊंगा भाई मैं। So, hello guys, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और guys, तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हारे लिए लेके आ चुका एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल्व का। और हम जो है ना guys, यहाँ पे हमारा जो है ना guys, जो अपना अवतार 2 वाला सर्वर चल रहा था उसके साथ थोड़े से कांड हो गए, इसलिए जो है ना guys, हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए घुसे एक पब्लिक सर्वर पे। और ये guys बिगिनर्स पीवीपी ऑफिशियल सर्वर द आइलैंड पे। और बिगिनर्स के सर्वर में इसलिए घुसा हूं क्योंकि मैं और मैं भाई बहुत ज्यादा ही नुब्बा नुब्बा होना गाइस इसमें, इसलिए जो है ना गाइस हम आज जो है ना गाइस एक बिगिनर पीवीपी सर्वर में घुसे और देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना गाइस हम क्या क्या कर पाते हैं और कितना मजा आता है गाइस। लेकिन ये आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आनी के चैनल की और हमारे व्लॉगिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या फिर किसी भी मोबाइल या फिर पीसी के गेम के सर्वर बाय करने और आपके फ्रेंड के साथ खेलना है तो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन निट्रेडो की वहां से अगर आप बाय करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्रेडो के लिंक को भी। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको एक बता देता हूं, इस सर्वर में फिलहाल के लिए खेल रहे 68 प्लेयर्स। मजाक नहीं कर रहा गाइस मैं, मजाक नहीं कर रहा, 68 प्लेयर जो है ना अभी फिलहाल इस सर्वर में खेल रहे हैं। और मेरे को नहीं लग रहा कि सर्वर जो है ना गाइस वो उतना ज़्यादा जो है ना गाइस मतलब वो हो सकता है, सेफ हो सकता है 68 प्लेयर्स के साथ। तो मेरे को तो ना भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, स्पॉन होते ही कोई जो है ना गाइस मेरी पेटी ना बना दे, यही उम्मीद के साथ मैं इस सर्वर में गाइस यहाँ पे घुस चुका हूँ। एंड हर तरफ जो है ना गाइस मेरे को खाली बस दिखाई दे रही है गाइस छोटे छोटे से बेस। एंड मेरे हिसाब से ये जो सर्वर है ना गाइस, ओके ओके ग्राफिक लोड हो रही है खाली और कुछ नहीं गाइस, ठीक है सर्वर मेरे हिसाब से स्मूथ, हाँ स्मूथ ही चलेगा। ए वहाँ पे एक बंदा है, ए वहाँ पे एक बंदा रहा है, अब बंदे के झोपड़ी के सामने स्पॉन हुआ, रुक जाना रुक जाना। अबे अरे वो लेवल, अच्छा लेवल अब तो वो ऑफिशियल वाली सेटिंग है ना, तो ऑफिशियल वाला ही लेवल अब आएगा गाइस, ठीक है वेट अ मिनट। चलना बे, लाड आ रहा था भाई, भाई इसका नंगा ये तो नंगा पुक्का भाई, पहला फर्स्ट किल भाई तेरे भाई का फर्स्ट किल, चल बे ललित गई का भाई, भाग बे बिगनर भाई। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बिगनर निकला। अरे गाइस बेड है इसका, बेड भी तोड़ दूंगा, बेड पे आने के ना भुक्को से शुरू, अब भाई भुक्को से स्वागत करूंगा गाइस इसका, ठीक है। एक्सेस इन्वेंटरी क्या है भाई इसमें, भाई ये तो गरीब है यार, तो बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा गरीब है भाई। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था भाई, अच्छा इसका नाम तो भाई फलाना ढिलाना पता नहीं क्या क्या है गाइस, ठीक है बेचारे को चेप डाला अपने घर में था भाई, और इसकी बैट बजा डाली। चलो अभी यहाँ से फिलहाल के लिए गलती मार दे और चल कर थोड़े से वेपर्स बढ़ा लेते हैं भाई। भाई ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाले बिगिनर्स मेरे को लग रहे हैं यार, मतलब ऐसे कौन मरता है, पीछे तो देख लो भाई, पीछे से कोई बंदा जंदा आ रहा है भाई, दैटमीन दे दो, नहीं भाई वो अपने भी मस्त था। और ये गाइस कुछ 100 200 300 एक्स नहीं है सर्वर, नॉर्मल सर्वर है, पहले बता दो आपको। लेवल अप जो ना एक एक करने में फटके हाथ में आ जाएगी, पहले बता देता हूँ गाइस, ठीक है एक एक लेवल अप जो ना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल से आने वाली है। एंड फिलहाल के लिए मेरे को थोड़ा सा तहज बीच जो है ना गाइस वो चाहिए होगा, वहाँ पे भाई एक थ्योरी है तो मैं वहाँ पे उस डायरेक्शन में जाना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। रैप्टर का आवाज़ नहीं, वो भी रैप्टर का आवाज़ है, थ्योरी के नज़दीक जो है ना गाइस मैं भटकना भी नहीं चाहता। गामा जो है ना गाइस मैं ठीक कर लेता हूँ, गामा भी फिलहाल के लिए 3 कर लेते गाइस, ठीक है ताकि आपको जो है ना गाइस थोड़ा भाई अच्छे से दिखाई दिए। गामा थोड़ा ज़्यादा हो गया, गामा 2.7 कर लेते हैं भाई, ठीक है अरे भेज गया गामा 2.7, ओके चलो आ जाओ लेट्स गो। अभी जो है ना गाइस यहाँ पे वो बंदा जो है ना गाइस मेरे को नहीं लग रहा वापस से स्पॉन होगा इस वाले जो है ना चुटकू से इसके बेस पे, मेरे को लग रहा है ये रैंडम लोकेशन पे जो ना गाइस स्पॉन हो चुका है। और मैं जो ना गाइस अभी क्या करता हूँ उसकी चेस्ट जो ना गाइस, उस चेस्ट में कुछ ना कुछ सामान रख रहा था, मेरे को लग रहा है उसकी चेस्ट में कुछ तो सामान हो सकता है, तो वही जो ना गाइस ढापने के लिए मैं सबसे पहले वो बना रहा होगा, ठीक है अपने हैचेड। और इसके लिए भाई थैच एंड वुड चाहिए, अबे कहाँ से निकलूँ भाई, एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, थैच एंड वुड कहाँ से लेके आऊँ मैं, हैं भाई फाइबर तो दे दो अंकल, फाइबर हाँ दे दिया फाइबर गाइस। थैच एंड वुड के लिए मेरे को लग रहा है 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, नहीं गाइस एक पेड़ मिल चुका है यहाँ से जो ना गाइस थोड़ा सा थैच एंड वुड जो है ना गाइस वो इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पे लोंडो की चैटिंग शैटिंग भाई पंच मार के उड़ा रहा है यार पेड़ को यार, ये जो है ना गाइस रुक जा मेरे को काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, रुको 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 रुको, अबे यार पेड़ टूट जा भाई। हाँ बेस की आग, आग लगा देता, आग लगा देता,
बग भेज क्या। अबे भाई छोड़ना ललित, अबे लड़की है नंगी लड़की, ये तेरे को शील्ड भी नहीं लगाना आ रहा। बेटा रुक जा बेटा, तू रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, इसको ना भाई बाद में चेपूंगा, याद रखना गाइस, इसको याद रखना भाई। इसने मेरे को कोई तो डिजीज बिजीज दे दी है, पता नहीं गाइस, मेरा स्टैमिना डाउन हो चुका है अभी फिलहाल के लिए। कल्टी मार लेते हैं भाई, मेरे को पीछे दिखाई दी थी कि आग मची हुई है, आग आई हुई है। एक्सपी मिल जाएगा ना, फोकट में एक्सपी मिल जाएगा मेरे को गाइस, एक्सप्लोरर नोट है, एक्सपी मिल जाएगा भर भर के, ठीक है। प्लस यहाँ पे अंदर कुछ तो है, अच्छा अंदर साइड कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। पानी चाहिए ना, अरे डरता का कोई बेरी खाएंगे ना अपन भाई। इसने भाई डिजीज दे दी यार मेरे को, ये डिजीज से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या? एक काम कर ले, मूवमेंट स्पीड, अरे डैमेज बड़ा भाई, बुक्को से पेलेगा तेरा भाई, भाई हल्क बनेगा भाई, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं भाई, एक एक को बुक्के से पेलेगा भाई। बेरी खा ले भी फिलहाल के लिए भाई, पानी भी नहीं कुछ नहीं है। कोई लोंडा है वहाँ पे, वहाँ पे एक नंगा लड़का या लड़की जो भी है पता नहीं भाई, वो देखना भाई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, उसको अगर मैं दिखाई दिया तो वो मेरा को उल्टा चेप डालेगी, प्लस मेरा हेल्थ जो है ना जो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए रह जाता हूँ मैं। एंड वो पत्थर विद्दर तोड़ रहा है, मतलब उसके पास भाई इक्विपमेंट तो है भाई, इतना तो मेरे को पता चल गया। एक वुड चाहिए मेरे को, एक वुड नहीं मिल रहा भाई। बताओ गाइस कैसी जिंदगी हो चुकी है तुम्हारे भाई की, ट्रैप डोर है लॉक्ड है भाई। अबे यार मैं वुड लेने के लिए भी मेरे को भाई थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक जाओ, बेरी जो है ना सारी नीचे लगा देता हूँ, पानी के नज़दीक जाता हूँ गाइस। अभी फिलहाल के लिए ना मेरे लिए सबसे पहले रिसोर्स बना लेता हूँ, ऐसे भाई फाइट लूंगा ना मैं, कुछ बंदों को मार तो लूंगा बट उनसे ना दुश्मनी भी भाई मोल ले लूंगा गाइस, और उससे ना भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में मेरे को। रुक जाओ, पहले पानी पीने दो, पानी जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े से टूल्स बना लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमको करना क्या है गाइस, ठीक है। टू सी दो, मर गया, अरे सच में मर गया, अरे भैया ये क्या हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, यहाँ पे नहीं भाई, रुक जाओ, ये जोन बहुत ज़्यादा घटिया है भाई। मैं जाऊँ कहाँ पे? वैसे यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा नुब्बा बंदे थे यार, मैं एक्चुअल में यहीं पे स्पॉन हो जाता हूँ यहाँ पे ना, थोड़े से नुब्बा, अच्छा नुब्बा मतलब मैं भी तो नुब्बा ही हूँ भाई, गिर के कौन मरता है तुझे भाई। परमानेंट डिजीज है क्या? शायद परमानेंट डिजीज है गाइस इसमें, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, ये उहू करे जा रहा है भाई। ओ यहाँ पे मेरे को वुड मिल सकता है गाइस, काफी अच्छी बात है। और बंदों ने थोड़े से भाई, ये तो अपना वो मेन एरिया में आ गया गाइस, में ये तो मेन एरिया में आ गया। यहाँ पे मेरे को थोड़े से मेटल के बेस दिखाई दे रहे हैं, सो अभी फिलहाल के लिए ना उनसे बच के रहना पड़ेगा भाई। ओके गाइस, टैच दे दे, टैच दे दे, टैच टैच, चार नहीं भाई 10-12 टैच दे दे, चल 8 टैच से काम बन जाएगा भाई। ओह ओह क्या कर रहा है भाई, शील्ड बिल्ड बनानी पड़ेगी गाइस मेरे को थोड़ी सी भाई, ठीक है थोड़ी शील्ड बिल्ड बनानी पड़ेगी। अरे बेस क्या, अबे साले ये चोर भाई, चोर पीछे पड़ गया, बताओ कितनी झंड जिंदगी अपन की भाई। साला भाई सारा सामान मिल गया तो चोर पीछे पड़ गया, मैं भग जाऊंगा मैं गाइस यहाँ से। यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे से बेस है भाई, लूटो के, और ओपन बेस है, अंदर कोई नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हो दया, अंदर जाके भाई पूरा नंगा कर रखा है बेस को भाई, पूरा नंगा कर रखा है गाइस, कुछ भी नहीं है यार। यार ये क्या मतलब विजय भाई, ठीक है बाद में कर ले, ये बनाने के लिए क्या चाहिए बता। एक स्टोन चाहिए खाली गाइस, ठीक है एक स्टोन मिल गया ना तो काम बन जाएगा। स्टोन तो यहाँ पे मिल ही जाएगा मेरे को। अबे यार स्टोन भी नहीं है क्या भाई, इतनी फूट है किस्मत, पहले भाई मेरे को वो नहीं मिल रहा था वुड, अभी वुड मिल गया तो स्टोन नहीं मिल रहा बताओ हैं। अरे भाई इसमें जो ना गाइस वो हार्वेस्टिंग इतनी स्लो है ना कि थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बेसिक से टूल बना लेते, उसके बाद जो ना गाइस जाके सबको पेलने का काम करेंगे गाइस, ठीक है। इसमें मजा आ रहा है यार, इसमें ज्यादा प्रो बंदे नहीं है, अपने लेवल के बंदे गाइस, ठीक है, इनको मारने में मजा आ रहा है गाइस, ठीक है। आ जाओ चलो, अभी जो ना गाइस अपन भाई रिसोर्स बड़े आराम से जो ना गाइस हार्वेस्ट कर सकते हैं, एकदम मस्त देखिए भाई, ठीक है। कोई सीन ही नहीं है, ले थैच एंड वुड, फ्लिंट थोड़ा सा चाहिए होगा, फ्लिंट के साथ साथ भाई मेरे को स्टोन भी चाहिए होगा गाइस, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा स्टोन यहाँ से उठा लेता हूँ, फ्लिंट के लिए मेरे को जो ना गाइस पत्थर तोड़ना पड़ेगा, और पत्थर कहाँ पे पता नहीं यार। ये डिजीज भाई कब जाएगी, मरने के बाद भी नहीं जा रही यार, ओहू करे जा रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। और संभल के जाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर इधर उधर गिर गया ना तो बैंड बच जाएगी डायरेक्टली भाई। ट्रैप भी बहुत सारे दिखाई दे रहे मेरे को, किसी ने पकड़ लिया ना तो बैंड बच जाएगी तेरे भाई की। फ्लिंट दे दे भाई, फ्लिंट दे दे, फ्लिंट की भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई, मेटल का क्या करूँगा। हाँ फ्लिंट मिल गया मेरे को, ठीक है चलो आ जाओ। सो हम जो ना कहते टॉर्च, अबे टॉर्च का क्या करूँ मैं, स्पेयर दे दे भाई। हाँ कपड़े चपड़े दे रहे तो कपड़े दे दे, कपड़े जो है ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो दे ही देंगे हमको गाइज। और इसमें कोई भी मॉड नहीं है ना गाइज, कोई भी मॉड नहीं है, नॉर्मल बेसिक सेटिंग पे चल रहा गेम। ओके अभी अपना हैट और भाई अपना इनविजिबल जो है ना चड्डा पहन लेते अपन, ठीक है चलो आ जाओ। आ जाओ भाई, स्पेयर मेरे को ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, स्पेयर जो है ना गाइज जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा बना लेता हूँ, क्योंकि स्पेयर जो है ना गाइज वो टूट जाते हैं गाइज, ठीक है। सो मेरे को स्पेयर जो है ना गाइज जितने ज़्यादा मैं बना सकता हूँ उतने बना लेने गाइज, ऑलराइट। एंड मैं रुक जाऊँ, थोड़ा सा फ्लिंट बिंट जो है ना गाइज इकट्ठा कर लेता हूँ। क्या बोलते हैं इस घर का पे बनाया अपन अपना, या भाई घर भी बनाना पड़ेगा मेरे को, छोटू छोटू सा अपना आशियाना।
और वो मेटल वाला बेस जो ना गाइस वो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी रहता हूँ क्योंकि उस बंदे के पास मेटल वाले जो ना गाइस इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो खेल रहा है गाइस यहाँ पे। मैं छोटे छोटे से जो बेस है ना गाइस उनको उड़ाने की कोशिश करता हूँ एंड देखता हूँ कि कुछ मिल पाता है कि नहीं गाइस वहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, वहाँ पे किसका छोटू सा घर है गाइस, इसको उड़ा सकते हैं क्या अपन? अगर चाहे तो उड़ा सकते हैं रस्ते में। एक मिनट रुक जाओ, ये कौन भाई इतना मतलब प्रोफेशनल बन रहा है गाइस? एक काम करना है गाइस मेरे को, एक काम करना है डोडो को मारना है गाइस, ठीक है? डोडो को मारना है, डोडो को मारने से ना मेरे को वो मिल जाएगा गाइस हाइड, उससे फाइबर वो बना लूंगा पैराशूट एंड एक बोला बना लूंगा। अगर कोई बंदा मेरे को मारने के लिए आ जाता है ना डायरेक्टली बोला कर दूंगा उसको, 10-12 बोला बना लेता हूँ एंड उसके बाद ना झाड़ी लाइफ हो जाएगी गाइस। ओए भाई लेट्स गो, फर्स्ट किलो हो चुका है लेकिन यार भाई सच यार मजा आ रहा है यार इसमें। कोई ना मेरे को कोई मारेगा ना तो मेरे को सजा मिल जाएगी, मेरे को उधर ही जाना भाई। बंदों ने भाई राफ्ट भी बना रखी है भाई, राफ्ट के बाहर में मेरे को डोडोस को मारना है भाई, मेरे को डोडो को मारना है भाई। डोडो सर हावर यू, हावर यू टूटा ना जाए डोडो को मारते मारते भाई, वो नहीं टूटा भाई, ठीक है हाइड दे दे भाई थोड़ा। डोडो रुक जा, अरे तेरी भी बारी आएगी, तेरी भी बारी आएगी, ऐसा थोड़ी होता है भाई। किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है? रुक जा ना अंकल, कहाँ है भग रहे हो भाई, कहाँ है भग रहे हो? हाइड 16 हाइड मिला, एक बोला बन पाएगा खाली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। कपड़े बना सकता हूँ, बट कपड़े बनाने से अच्छा ना मैं भाई क्लब या बोला बना लो, बट बोला बनाने लग मेरी लेवल अप हो चुकी है एक्चुअली में, सो आई कैन मेक द बोला, बट मेरे को तैज चाहिए थोड़ा सा, ठीक है चलो गाइज। पीढ़ी को गैरल का पीढ़ी को मार मार के भाई भूत बना डाल, चल नहीं बना सकता क्या यार, मार मार के भूत तो नहीं बना पाया उसको मैं। रुक जाओ मैं जो ना क्या जैसा घर ढूंढता हूँ, इसके अंदर कुछ है क्या भाई? यार गरीबी, यार गरीबी में आटा गिला इन लोग का भाई। रुक जाओ गाइज मेरे को बेस ढूंढना पड़ेगा गाइज, किसी का तो छोटू सा बेस ढूंढना पड़ेगा। ये तो सारे बेस जो ना गाइज वो लूटे हुए है गाइज, सारे बेस लूटे पड़े हैं। ये बंदों के बेस कहाँ पे? छोटू सा अगर कोई बंदा मिल जाए, अरे यार मैं वहीं पे चला जाता हूँ ना गाइज, मैं उधर ही चला। वो देखो बंदा दिख रहा है गाइज सबको? दिख रहा है बंदा? वहाँ पे बंदा अपोजिट साइड में, इसको पेल के जाएंगे आज तो इसका उद्घाटन करके जाएंगे अपन। रुको इसका उद्घाटन करके जाएंगे, बट मेरे को एक चीज चाहिए होगी भाई, पता है क्या? फाइबर एंड थोड़ा सा, रुक जाओ, फाइबर चाहिए ना थोड़ा सा, आई थिंक बुलार बनाने के लिए तो फाइबर ही चाहिए, बट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बुला बनाने हैं। मैं कहा डायनो लेके डायरेक्टली घुस जाओ क्या उसके घर के अंदर? अगर मैंने एक पैरासोरस भी टेम कर लिया ना गाइज छोटू सा, तो भी मेरे हिसाब से अपना काम बन जाएगा गाइज। हाँ पैरासोरस का सैडल भाई बनाने के लिए पहले रिसोर्स इकट्ठा कर लेता हूँ, या फिर सबसे पहले अपन को खुद को प्रोटेक्ट करना है गाइज, ठीक है? सिंपल सी बात है, खुद को प्रोटेक्ट कर लो, वरना भाई बैंड बहुत गंदी तरीके से बचेगी। थैच चाहिए था मेरे को, मेरे को ये नहीं चाहिए था। मैं जो ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर और एक छोटी सी शील्ड बना लेता हूँ, ठीक है? जो मेरे को ना यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी गाइस, ठीक है? अबे थैच देना, क्या हुआ? अच्छा 16 थैच मिल गया डायरेक्टली, रुक जाओ मैं थैच जो ना गाइस इकट्ठा कर लेता हूँ। और एक शील्ड बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा वो देख लेता हूँ। ओवर वेट हो रहा होगा, इस वेट में थोड़े से पॉइंट डालने पड़ेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। मेरा खोपड़ी में ये हेड पेन ले एंड देन एक बोला बना लेता हूँ, एक चेस्ट बना लेता हूँ, एक चड्डी बना लेता हूँ, एक ये बना लेता हूँ और एक हाथ वाला बना लेता हूँ, ठीक है? चलो और स्पेयर कितने बन रही है? जितने ज़्यादा स्पेयर बन रहे उतने बना लेता हूँ एंड शील्ड भाई निकाल सकता हूँ मैं। शील्ड के 12 लेवल चाहिए, मेरे लेवल कितने हैं शील्ड के लिए? 12, 10 लेवल है गाइस, 2 और लेवल उसके बाद शील्ड अपने पास आ जाएगी भाई, ठीक है? अपना जो सिग्नेचर वाला गाइस कपड़ा है ना गाइस वो पहन लेते हैं अपन। ऑलराइट देन अभी सारी की सारी स्किन जो है गाइस वो ड्रॉप कर देंगे, हमारे किसी काम की नहीं है। ऑलराइट और फालतू का सामान ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि ओवरवेट ज़्यादा ना हो मैं। ओके लेट्स गो, अब भी मजा आएगा ना वीडियो गाइस। वो जो अपोजिट साइड में एक बंदा है ना गाइस उसको देखना कैसे चेप के आता अपन, ठीक है? वेट अ मिनट गाइस, टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। स्पेयर बन रहे ये यहाँ पे लगा, ठीक है? खाना पानी जो ना वो तुम्हारे भाई के पास है, बस थोड़ा सा थैच एंड वुड चाहिए होगा मेरे को एंड भाई स्टोन भी चाहिए होगा यार। स्टोन ये सबसे जो ना गाइस ज़्यादा जरूरी मेरे को भाई, लेवल अप है। अगर लेवल अप मिल गया ना तो मजा आ जाएगा यार, ज़्यादा जितना हो सके उतना लेवल अप चाहिए मेरे को। बेरीज खा ले अभी फिलहाल के लिए, बेरीज खा के जो ना गाइस अपन वो कर सकते हैं। स्पेयर बना लूंगा जितने ज़्यादा चाहिए उतना, बोला भाई 2 बना लेता हूँ, एक मिस हो गया तो दूसरा काम आएगा, ठीक है? एंड लेवल अप मेरे को बटाक से कर लेनी है। अभी तक जो है ना गाइस अभी अपनी लेवल अप होने वाली है ऑलमोस्ट। अगर मैं क्राफ्ट करूंगा ना तो क्राफ्टिंग से ज़्यादा लेवल अप मिलती है क्या? एक काम कर लेता हूँ, अपना छोटू सा बेस बना लो क्या? या फिर वो बंदे का ना घर तोड़ के उस बंदे के घर के अंदर क्या देख के आता हो गाइस? रुको, दूसरे को उंगली करने के चक्कर में मैं ना खुद भाई लुढ़क जाऊँ, समझ रहे हो गाइस? रिस्की काफ़ी ज़्यादा है बट कोई ना, चल ले बेरी खा ले सारी। सारी बेरी खाने से ना थोड़ा सा ओवरवेट जो ना गाइस वो हट जाएगा अपना। एंड लेट सी, चलो आ जाओ। वो बंदा है वहाँ पे एक बंदा है, वहाँ पे एक बंदा है गाइस। वेट अ मिनट, पानी के अंदर से चल जाए गाइस, पानी के अंदर से चल जाए। आ जाओ, ऑफलाइन है शायद, एप के पड़ा हुआ है, एप के पड़ा हुआ है।
ठीक है भाई, इसके इन्वेंटरी में उम्मीद कर रहा हूँ कोई सामान हो। इसको तो भाई भाई कोरोना वायरस हो चुका है बेचारे को। क्या रे बाबा 44 लेवल का है। अच्छा ये क्या था भाई, सामान ही का लुंडे। अरे तो नल्ला निकला यार, इसके पास सामान ही नहीं है। इसका घर भी रह गया यहाँ पे कहीं पे भाई। बंदा ओ बुरा बंदा भाई, जंपे मार मार के जा रहा हूँ। जा कहाँ पे रहा है देखता हूँ इसमें। अच्छा उसके ओ वहाँ पे कोई टेम कर रहा है वो पक्का थोड़ा कहाँ पे कुछ टेम कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, वो उलाला उलाला केजे बहुत सारे ट्रैप हो सकता है, तो संभल के जाना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे केजेस तो है भाई, 10,000 हेल्थ है। अगर मेरे को एक फटका मारो तो कितना हेल्थ बचाएगा इसका, इम्पॉसिबल, इससे टूट नहीं पाएगा। एक मिनट रुक जाओ, उस बंदे को धरते हैं, उस बंदे को धरते जो वहाँ पे भाई कुछ टेम कर रहा। पानी के अंदर से चलते पिराना, जो सकते पानी के अंदर थोड़ा संभल के। उस फेंस के पीछे ना गाइज एक बंदा है भाई, ठीक है। उस बंदे के पास मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सामान है, क्योंकि वैसे जंपे जंपे मार मार के उड़ उड़ के जा रहा था गाइज, ठीक है। सो पहले तो ना गाइज उसके ऊपर भाई पेड़ से भाई सरप्राइज अटैक करेंगे, देन उसका जो ना गाइज गेम बजा डालेंगे सिंपली। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। स्टैमिना रिकवर करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। इसमें हार्वेस्टिंग इतनी स्लो है ना कि बंदे जो ना मेटल का बेस भाई ज़्यादा बना नहीं पाते, समझ रहे हो गाइज। यहाँ पे कुछ तो कर रहा था गाइज, उधर से जंपे मार मार, उधर से जंपे मार मार के आया, मतलब उसका घर उधर है क्या। तो बंदा यहाँ पे था कहीं। अबे यार स्पाइक ऑल गई भाड़ में, रुक जा। स्पाइक ऑल का डैमेज तगड़ा पड़ा भाई। इसके पास से बेरीज उठा लेता हूँ भाई। भिखारी भाई, इनने इतना बड़ा भिखारी देखा है जिंदगी में कभी भाई, मतलब बेरी खाने का जुगाड़ हो गया। चला जाऊँ, ये बंदा कहाँ पे गया, ये दूसरी तरफ चला गया यार। मेरे को लगा यहाँ पे होगा करके, ये इसका घर है क्या। चलो चल के देख लेते यार। मैं भाई ओवरवेट हूँ ना, वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी अगर लेवल अप पॉइंट आ जाता है ना तो उसमें डाल दूंगा मैं। नहीं यार, नहीं यार, ओ यहाँ पे तो बेड ही है खाली, कुछ है क्या खाना पीना। अब वक्त भेज गया भाई, कुछ भी नहीं है। चलो गाइस अभी एक काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी ग्राइंडिंग शाइंडिंग कर लेते हैं। मेरे को बक्सा बिक्सा बनाना पड़ेगा गाइस, एक छोटा सा बेस बनाना पड़ेगा, उसके बिना जो ना काम नहीं होगा गाइस, ठीक है। और ये ऊ वाली जो बीमारी है ना गाइस, मेरे को लग रहा है सबको लगी हुई है यहाँ पे। सो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। रुक जाओ गाइस, थोड़ी सी ग्राइंडिंग करने के लिए ना एक अच्छी जगह ढूंढ लेता हूँ, जहाँ पे जो ना गाइस मैं ग्राइंड कर सकूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी दोस्त भाई, ये क्या भाई, ये क्या लिख रहा है सब बैच भाई। वाह नाम भी एकदम खतरनाक वाला है इसका। सो बेस्ट अभी ये रहेगा, मैं स्टोन तक मैं पहुँचा ही नहीं हूँगा। सबसे पहली बात, स्टोन कितने लेवल के हैं, स्टोन तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बना ले, ठीक है। सिंपल से जो ना गाइस एक चीज़ है, एक बॉक्स जो ना गाइस किसी के लिए भी जो ना गाइस यहाँ पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बस इसको बनाने के लिए वुड चाहिए होगा थोड़ा सा। सो वुड तो यहाँ पे नहीं है, वुड मैं वहाँ से लेके आ जाता हूँ, ओके गाइज। एंड उसके बाद जो ना गाइज हमको आज तो बंदों को चेपना है गाइज। मैं अभी ना एक छोटा सा बक्सा टाइप अपना घर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर ना मेरी बेसिक सी सारी चीज़ें रखने वाला हूँ मैं। और मेरी मेरे को जो ना गाइज यहाँ पे लेवल अप करने के बाद जो ना, मतलब ये सारा सामान मैं उठा रहा हूँ ना, वो बंदे का घर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है गाइज। वो जो सामने घर है ना, मेरे थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर अगर अपन अटैक करते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि हमको काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें वहाँ से मिलेगी, समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो। और यहाँ पे भाई जो ना गाइज मैं कहीं पे भाई ऐसा खतरनाक से अंडर बिंडर ग्राउंड केव भी जो ना गाइज मेरे को पता नहीं था आईलैंड की। सो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे, देखते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए ये बस अटैक ना कर ले मेरे ऊपर। वुड नहीं डाल सकता भाई, मिड भी डाल दूंगा, वुड नहीं फेंक सकता यार, वुड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ले लूँगा वुड, कोई सीन नहीं है। चलो आ जाओ, वेट में पॉइंट डाल दे भाई, 11 लेवल हो चुका हूँ। चलो आ जाओ गाइज, एक छोटा सा बक्सा जो ना गाइज वो बना लेता हूँ, एंड उसके आजू बाजू स्पाइक लगा दूंगा। और उस स्पाइक से जो ना मेरे को भी डैमेज पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है गाइज, ठीक है। चलो कोई सीन नहीं, यहाँ पे तो एक बंदा ऑफलाइन है भाई। हेलो ब्रो, हेलो स्लीपिंग क्या, इसको भगवान के पास पहुँचा डाल, मिड मिल जाएगा इससे पॉकेट में। अच्छा स्लीपिंग बंदे को मार नहीं सकते, भग भेज गया। कहाँ भी बनाओ गाइज, छोटा सा घर बना लेता हूँ। पहले जाके ना भाई उस बंदे को देख लेता हूँ, क्या उसके बंदे, वो बंदे का ना वुड का घर है, तो अगर हम उसके घर के अंदर छेद कर पाए ना तो मज़ा आ जाएगा गाइज, समझ रहे हो। इस बंदे के ना घर के अंदर एक्चुअली में हम छेद कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट को यूज करके। इसका घर तो वुड का ही है। अबे यार भाई स्लो हो गया, स्टैमिना खत्म। ये कॉम्पी मरने आया क्या इधर, ये कॉम्पी मरने आया था क्या, और लग तो रहा है इसकी मरने आया था भाई, हाइट देके चला गया। एक्चुअली मेरे को हाइट देने आया था यार, मेरे को हाइट की कमी हो रही है ना, तो लग रहा है मेरे को हाइट देने के लिए आया था। ओके ये बंदा वुड का घर है, एंड बंदा ऑनलाइन नहीं है लग रहा है। अब इसके घर को भी छेदी लाल बना डाला है यार भाई, सर्वर में जो ना गाइस बिगनर्स के साथ अन्याय हो रहा है लग रहा है मेरे को भाई। इसके घर को भी तोड़ डाला है भाई, इसने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना रखी थी, पूरा लूट लिया भाई इसके घर को, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब भाई ये बंदा भाई बेचारा स्टोन में अपग्रेड कर रहा था अपने घर को,
बट इसका घर मेरे को नहीं लग रहा कि बच पाया गाइज। खत्म, टाटा बाय, गुड बाय हो गया बेचारे का घर गाइज। अरे यार अगर इनका घर उड़ रहा है तो मेरा घर कैसे बचे रहेगा? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। लेकिन मैं मेरा अपना सामान जो है इसमें बचा सकता हूँ, बताइए कैसे? एक काम करो, सिंपल सी बात है, फाउंडेशन निकाल, पानी के अंदर फाउंडेशन लगानी है वुडन वाली, ठीक है? उसके ऊपर लगा दूंगा बक्सा सीधा, पानी के अंदर जो ना गाइस अपने बक्से लगा दूंगा और उसके अंदर सामान डालते रहूंगा और अपने इन्वेंटरी में बस बेसिक सी जो चीजें हैं ना गाइस वो लेके घूमूंगा गाइस, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए ना अपन ये स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और ऐप के जाते वक्त भाई कहीं पे भी ऐसा लेट लेट के ऐप के जाऊंगा, क्योंकि ऐसा अगर कोई नंगा बंदा इधर उधर लेटा है तो उसके ऊपर तो किसी का ध्यान जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। और होना तो ऐसा ही चाहिए गाइस। भाई यार ओवरवेट हो गया भाई, एक काम कर ले ये फेंक दे, अत्याच आधी फेंकनी पड़ेगी। चला जा भाई, भाई क्या स्लो मोशन मार रहा है भाई, पीछे से कोई बंदा आके मेरे को दब्बा दे के चला जाएगा। मेरे को जो ना गाइस पानी के उस साइड जो बंदा है ना गाइस उसको मारने के लिए प्रिपेरेशन करना है गाइस, ठीक है? एंड उसके लिए जो ना गाइस मैं क्या करने वाला हूँ प्रिपेरेशन, मैं जो ना गाइस एक वो बनाने वाला हूँ शील्ड। एक बार शील्ड बन गई ना तो भाई मजा आ जाएगा गाइस, एकदम फुल टू मजा आ जाएगा। चलो एक ही फाउंडेशन लगाऊंगा ताकि भाई ज़्यादा जो ना गाइस अट्रैक्ट ना करे अपना छोटू सा बेस किसी के, मतलब किसी को भी भाई, ठीक है? एंड ड्राफ्ट बनाना भी फिलहाल के लिए तो सही एकदम ओपी वाला डिसीजन है, बट क्या होगा ये देखो, ये जो इनके राफ्ट की हालत देख रहे हो कैसी हुई है, वैसे भी वैसे हमारे राफ्ट की हालत होगी गाइज, जैसे इस बंदे के राफ्ट की हालत हुई है, देख रहा हूँ देखो। इसके एक्चुअली में राफ्ट थी क्या या फिर इसका घर था, केज बीज बना रखे है भाई, ठीक है? चलो एक काम कर लो चुपचाप, एनी फाउंडेशन नियर बाय। अबे भाई कहीं पे भाई बेस बनाने के लिए कुछ जगह बची है कि नहीं? फिर यहाँ भी बोल रहा है एनिमी फाउंडेशन, मैं उस तरफ देखता हूँ, रुको। अरे यार स्टैमिना खत्म। शायद गाइज मैं यहाँ पे अपनी फाउंडेशन लगा पाऊंगा, क्योंकि इधर कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा। एक घर दिखा जिसका गेट अभी तक टूटा नहीं है। अगर इसका गेट अभी तक टूटा नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो दया, इसका मतलब ये है कि इसका जो घर है ना गाइज, इसके घर के अंदर मेरे को लूट मिल सकती है, ठीक है? बट इसका घर जो ना गाइज वो लूटने से पहले मैं अपनी लूट जो ना गाइज वो अंडरग्राउंड छुपा लेता हूँ, अंडर वाटर छुपा लेता हूँ एक्चुअली में भाई, ठीक है? अरे यार एनिमी फाउंडेशन बोल रहा है यार, मैं लगाऊ तो लगाऊ कहाँ पे, एकदम समंदर की गहराई में तो नहीं लगा सकता ना। हाँ यहाँ पे लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? एंड इसके ऊपर बक्से लगा देता हूँ, ठीक है गाइस? जिसके ऊपर लगा देंगे हम बक्से भाई, थोड़ा सा ना 1000 IQ इस्तेमाल करेंगे गाइस, ठीक है? 1000 IQ इसके अंदर डाल दे भाई, सारा का सारा सामान, मशाल पिशाल छोड़ के भाई सारा सामान इसके अंदर डाल दे, ठीक है? मशाल मेरे पास दे दे। चलो आ जाओ गाइस, अभी जो ना गाइस अपना सामान जो ना गाइस, वैसे मेरे पास खास कुछ सामान नहीं था, फिर भी जो भी सामान था मैंने वहाँ पे डाल दिया है। एंड पता कैसे चलेगा यहाँ पे करके, ये बोर्ड जो है ना गाइस ये याद रखनी पड़ेगी, बोर्ड के सामने हमने जो ना गाइस वो कर रखा है, ठीक है? अभी इसका जो गाइस घर है ना, इसको मस्त बेकी चेदी लाल कर देता हूँ, रुक जाओ, ये देख नहीं पाऊंगा ना इसके घर के अंदर क्या है करके, नहीं देख सकता ना इसे 90। अरे यार इसका घर टूटने में तो भाई 400 साल लग जाएंगे, लेकिन कोई ना गाइस तोड़ के रहेंगे भाई, हम जो ना गाइस तोड़ के रहेंगे गाइस, इसका घर जो है ना गाइस वो तोड़ के रहेंगे। देख देखा इसके अंदर मिलता क्या है हमको भाई, पीछे भी नजर रखनी पड़ेगी, पता चले पीछे से किसी ने हमारे ऊपर के नहीं दबा सकते हम। अच्छा के में हूँ मैं क्या, पता नहीं के, हाँ ऐसे ऐसे करके रख देता हूँ ताकि पता चले कि पीछे से कोई अटैक विटैक कर रहा है गाइस, ठीक है? वरना अगर कोई अटैक विटैक करने आया और पता चला मेरे को कि भाई आया और मेरे को बताया नहीं चला गाइस, ठीक है? ऐसे हम देख सकते हैं। चलो आ जाओ, अभी इसका घर जो है ना गाइस वो तोड़ देते हैं। 3 days later. भाई मेरे दोनों इक्विपमेंट टूट जाएंगे, बट मेरे को नहीं लग रहा कि उसका वो वॉल जो है ना गाइस अभी टूटने वाला है। मेरे को अपने इक्विपमेंट रिपेयर करने का जो सामान है ना गाइस वो इकट्ठा करना पड़ेगा। अबे ले भाई ले भाई, इसी की तो कमी थी, इसी की तो कमी थी, रुक जा वुड यहाँ से इकट्ठा कर ले। तो फ्लिंट मेरे पास नहीं है, मतलब मैं वापस से ओवरवेट होने वाला हूँ ऐसा लग रहा है गाइस मेरे को, ठीक है? मैं वापस से ओवरवेट होने वाला हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ से भाई स्टोन इकट्ठा कर ले। ओके ये रिपेयर हो सकता है क्या अभी? नहीं यार फाइबर चाहिए होगा ना इसके लिए, तो इसके लिए थोड़ा फाइबर चाहिए होगा लग रहा है। नहीं इसके लिए तो एक फ्लिंट चाहिए यार, एक फ्लिंट चाहिए, एक फ्लिंट का जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। वो बंदा है क्या गाइस? वहाँ पे एक बंदा है, देख रहे हो पानी के नज़दीक है गाइस। आ जाओ 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देखना बेबी आई एम अ सुपरमैन, वेट अ मिनट। आई एम श्योरली बाबू पिछवाड़े में डालता तेरे बम्बू, रुक रुक। क्या 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 किसको मार रहा है? चलना अंकल चलना अंकल, अब मोटा लाल बन के आया था भाई। चलो रे भाई हो गया, इसका कल्याण हो गया गाइस, कल्याण हो गया भाई, ठीक है? चलो फ्लिंट की जगह पे बेचारे की भाई डेड बॉडी मिल गया हमको, फ्लिंट भी ढूंढा है, लेकिन चलो आ जाओ, फ्लिंट के बिना काम नहीं बनेगा। वो चूड़ा घर भी लूट के रहूंगा मेरे को। एक और बंदा गाइस, एक और बंदा दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है? वो घर के अंदर चला गया, ये उसका घर है क्या लूटे का? ये वही बंदा है जो आगे पीछे कर रहा है, नहीं ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो देखना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक मिनट रुक जाना,
वो जाके कह रहा है भाई वैसे गामा मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, गामा 3.2 कर देता हूँ। ऊपर चला गया यार डायरेक्टली, वो ऊपर डरेगा उसका पता नहीं गाइस। फ्लिंट तो मेरे को मिल चुका है एंड अपना जो इक्विपमेंट है वो भी रिपेयर हो चुका है। चलो अपने जो ना गाइस घर तोड़ने के मिशन पे जो ना गाइस थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे क्या करना है गाइस। ठीक है, उस बंदे को भी बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए चल के ना उस बंदे का घर तोड़ लेते हैं। मरना चाहो, डैमेज तो पड़ा यार लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ा। मेरे को हाइड की भी ज़रूरत है ना, अगर मेरे को हाइड गाइस जैसे भाई खुले में मिल रहा है ना तुरंत ही ले लूँगा मैं। ठीक है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस हाइड की गाइस, फिलहाल के लिए ना इस हाइड की बहुत ज़रूरत है। अबे यार ये डिजीज ना भाई, क्या बताओ भाई ये डिजीज जो है ना जो दिमाग खा रही है। हेलो सर, आवर यू, हेलो सर। अबे मरना भाई, इससे हाइड मिल जाएगा मेरे को काफ़ी ज़्यादा, अपने बक्सों में छुपा के रख दूंगा। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे उतना ज़्यादा दिमाग जो है ना गाइस लगाएंगे ये बंदे लोग गाइस, कि पानी के नीचे भी किसी का कुछ हो सकता है। ठीक है, सो मैं फिलहाल के लिए ना यहाँ पे पहले देख लूँ, कोई देख तो नहीं रहा ना मेरे को, नहीं देख रहा। चलो आ जाओ काबे भाई। हाँ ये रहा गाइस, ये रहा अपना छोटू मोटू सा बेस, पानी के अंदर अपने पैर पैर से दो दो बक्से गाइस। ठीक है, एंड इन अच्छा कौन से बक्से के अंदर सामान है, इसके अंदर है ना। हाँ देख रहे हो, देख रहे हो, पुल पुल संभाल के रखा यार तेरे भाई ने। मिट भी डाल दे इधर, हाँ मेटल भी डाल दे, मेटल भी डाल दे, बाद में काम आएगा मेटल गाइस। चलो आ जाओ अभी जो ना गाइस वापस इस घर तो घर को तोड़ने के ऊपर जो ना गाइस ध्यान दे देते हैं गाइस, और देखते इस घर को हम तोड़ भी पाते कि नहीं। घर को तोड़ने का काम चल रहा है गाइस, बट यहाँ पे कॉम्पी जो ना गाइस वो बहुत ज्यादा उंगली कर रहा है। अरे कॉम्पी बड़ा हो गया तू, स्पेयर निकालू, स्पेयर निकालू। अरे गोलू बेटा, कॉम्पी बेटा मस्ती नहीं, कॉम्पी बेटा मस्ती नहीं। ये लो गाइस, कॉम्पी का जो ना गाइस मस्त बेगी गेम बजा के जो ना गाइस हाइड हमको मिल चुका है। चलो अभी वापस से ना गाइस घर तोड़ने का काम जो ना गाइस हम चालू कर लेते हैं, लेट्स गो। 1000 खाली हेल्थ बची है गाइस इसके वॉल की। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बंदा है क्या, बंदा है, बंदा है, बंदा है गाइस, बंदा है, बंदा, बंदा, बंदा है, बंदा है, बहुत गंदा। कहाँ पे गया, हो रहा भाई। अबे ये तो मेटल वाला वो बंदा है ना, रुक जाना, इसका ध्यान नहीं है अपने पीछे, इसका ध्यान ना अपने पीछे नहीं है। सो हम लोग जो है ना जिसको वो कर सकते हैं। अबे यार ये तो भग गया यार भाई, मेरा एक इकलौता बोला जो था वो भी वेस्ट हो गया गाइज। अरे बना लिया मैंने बोला, चलो कोई ना यार, जब टाइम था ना तभी मेरे को मारना चाहिए था भाई इसके ऊपर, बट मैं डर गया। वैसे वो था तो नंगा, बट मेरे को लग रहा है कि वो जो ना गाइस वो सामने वो मेटल वाला बेस है ना गाइस उसका मालिक है करके, वो समझ रहे हो गाइस, वो मेटल वाले बेस का मालिक है ऐसा मेरे को लग रहा है। और आएगा वो ईज है गाइस, लिख के लेना, वो आएगा ईज है गाइस। ठीक है, और जब आएगा ना तब मेरे को जो ना गाइस थोड़ा उसको चेप देना है, चेप देना है। ध्यान देता हूँ, ध्यान देता हूँ, आना आ भी ना जाए वरना डायरेक्टली पेल देगा मेरे को। अच्छी बात है कि इसमें शो डैमेज नहीं होता, वरना पता चलता कौन कहाँ पे किस कौन से कोपचेवाड़ी में तोड़ रहा है। उससे मैं बचते बचते चला गया, उसके बाद थोड़ी स्किन थी ना तो मेरे को लग गया डर थोड़ा सा, मेरे को लगा स्किन वाला बंदा है तो शायद मेरे को चेप डालेगा भाई, बट कोई ना भाई, डरते क्या भाई। अब बंदे ऑफलाइन गए, अरे ऑफलाइन गए, कह रहे कह रहे लंडे, अच्छा हाइड है क्या, अरे दौड़ा हाइड वीड दौड़ा, क्लब भी लेके बैठे हो, हाँ बेहोश बेहोश करोगे क्या लंडो को, होशियारी कर रहे हो, होशियारी कर रहे हो, अच्छा क्या, अच्छा ये नहीं चाहिए मेरे को, रख दे तेरे पास ही। चलो कोई ना, ए तू कैसे रे नंगा, नंगू नंगू पंगू, ये नंगू पंगू के पास काफ़ी अच्छा सामान है, लेवल भी साथ ही है इसके, और ताज भाई भाई पूरी दुनिया भर का ताज लेके घूम रहा है ये, केरिटिन भी थोड़ा सा स्पेयर एक्स्ट्रा मिल गएगा जिसके पास। चलो भाई कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा ये कछुआ है क्या, ओके 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 ठीक है। और इंटर पिन कोड, अच्छा पिन कोड डाल रखे, पिन कोड डाल रखे, तोड़ू क्या, तोड़ू क्या, 500 कितना हेल्थ है, स्टोरेज बॉक्स की हेल्थ भाई 300 है भाई। ठीक है एक काम कर लेता हूँ, इन्हीं के हथियार से इन्हीं की स्टोरेज बॉक्स तोड़ूंगा, गामा ठीक करने दो, गामा 3 कर दे पहले। मैं सामान जो है ना गाइस अपने भाई पेटी में डाल के आता हूँ गाइस। ठीक है भाई, इतना सामान मिला, अच्छा पिन कोड भी डालना होता है क्या, रुक जाओ। अच्छा मेरे को याद आया, मैंने जो ना गाइस आई एम द नुब्बा नुब्बा ना, सो मैंने पिन कोड नहीं डाला अभी तक अपने चेस्ट को, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी मैंने भाई। थैच भाई आधा डाल दे इसके अंदर, एंड बाकी वुड डाल दे, हाइड भी आधा डाल देता हूँ गाइस। ठीक है हाइड भी आधा डाल देता हूँ, एंड सेट पिन कोड, ओके ओके ठीक है चलो आ जाओ, एंड इसको भी सेट पिन कोड कर देता हूँ ना, ओके ठीक है चलो आ जाऊँ, डन, ओके डन 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 डन। अरे यार ओवर रेट हुई यार स्टील, वैसे रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को एक बार देखने दो, मैं अपने टूल्स रिपेयर करके ना बाकी का सारा बचा हुआ सामान वहाँ पे डाल देता हूँ। इनके चेस्ट में मेरे को लग रहा है कि सामान मेरे को मिल जाएगा, इसको रिपेयर, अरे रिपेयर हो ना भाई, रिपेयर क्यों नहीं हो रही फिर, और इसको भी रिपेयर कर लेता हूँ गाइस, देन सारा सामान जो ना गाइस वहाँ पे डाल देता हूँ वापस से। ठीक है वो बोला बना ले भाई, तीन चार बोला बनाने के लिए क्या चाहिए, फाइबर चाहिए गाइस,
ठीक है, फाइबर से ना तीन चार बोला बना लेता है और जो भी सामान मिलेगा सारा अपने चीज के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर गाइस, ठीक है। और ये जो भाई स्पेयर है ना गाइस, उसके कारण ना मेरी काफी ज्यादा जो है ना गाइस वो हो रही है, क्या बोलते हैं वेट जो है ना गाइस काफी ज्यादा फुल हो रहा है। 10-10 स्पेयर लेके घूम रहा हूँ, अभी तक एक भी स्पेयर टूटा नहीं है। सो मैं जो ना गाइस 5 स्पेयर लेके घूमूंगा आपसे, बोला जो ना गाइस वो ज्यादा लेके घूमूंगा भाई, बोला जो ना गाइस वो काफी ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। और वो बंदा ना अपने डायनो को भाई ये जो ना गाइस बुलाने के लिए वहां पे गई पे गया है। सो ये रिटर्न तो आएगा, जब आएगा ना चिप देंगे इसको। चलो आ जाओ, बंदा पानी के अंदर है क्या? नहीं, कछुआ है भाई, डरा दी से यार ये, डरा दिदा भाई, ठीक है। चलो एक्सेस इन्वेंटरी, एंड इसके अंदर जो है ना गाइस स्पेयर भी जो एक्स्ट्रा है ना वो सारे डाल देता हूँ, मेरे को अभी इन चीज़ों की जरूरत नहीं तो ये डाल देता हूँ। और भाई 5 स्पेयर अपने पास रखता हूँ ताकि ओवरवेट जो है ना वो कम हो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी बेरी बेरीज जो है ना गाइस वो रहने दो, अभी चल के जो ना गाइस उन लोगों का जो ना गाइस वो चेस्ट तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे उनके जो हथियार है ना गाइस उन्हीं से उनका भाई चेस्ट तोड़ेंगे, देखते हैं गाइस कौन सा अलीबाबा का खजाना जो ना गाइस जिनके चेस्ट में मिलता है। इसके अंदर कुछ है क्या खाने के लिए? अरे गरीब हो यार तुम तो भाई, चलो आ जाओ वहां से। देखिए 500 हेल्थ है, इनकी चेस्ट को तोड़ के इनके अंदर से ना जो भी सामान होगा ना वो सारा का सारा चुरा लेंगे। ट्राइब बनाई क्या मैंने अभी तक? अच्छा ट्राइब बना लेता हूँ अपने यार, अपनी ट्राइब बना लेता होगा, ठीक है। लेट्स गो, आ जाओ, चलो अब इनकी चेस्ट तोड़ देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये कौन है बे? कोई तो बोला अभी वहां क्या, कोई तो बोला, गामा ठीक करने दो अबे, कोई तो बोला गुगु गाय, बंदा है कहीं पे नजदीक से बोला, ये बोला कहां से भेज के आग? वर्ल्ड 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 चैट इनेबल्ड है क्या? पता नहीं गाइज भाई, आदुन दून दू दाड़े भाई, ये अंग्रेजी लोडो के सर्वर में घुसा हुआ गाइज में। सो उस रीजन से वो पता नहीं कुछ तो बोला बट मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा मेरे आजू बाजू ही करके, बट आई थिंक वर्ल्ड चैट जो ना गाइज वो इनेबल्ड है, तो पूरे मैप पे कहीं पे भी बंदा अगर वो भाई अपना माइक खोल के बोलेगा ना तो शायद आवाज जो ना गाइज हमको भी सुनाई देगी, ऐसा कोई सीन है। और गाइज अभी 80 जो ना गाइज काली हेल्थ बची हुई है गाइज इसकी गाइज, ठीक है, खाली 80 हेल्थ बची हुई है भाई, इसको तोड़ के उम्मीद कर रहा हूँ इसमें से ना एकदम भर भर के सामान मिल जाए मेरे को यार, एकदम दबा के भाई। हेलो भाई, कीजिए पीजिए भाई, अरे स्लिंग शॉट ना मेरा बाजी, बेहोश कर करके मारेगा। क्लब भाई रिपेयर वाला क्लब दे दिया भाई, ठीक है, बाकी का क्लब जो भाई फालतू है ना वो डाल देता हूँ यहाँ से। बोला एक और मिल गया, टॉर्च की जरूरत नहीं ये फेंक देता हूँ भाई, ये भाई बैकअप के लिए ले लेता हूँ साथ में भाई, ठीक है। एंड ये फाइबर और वुड भाई बहुत ज़्यादा है भाई इनके पास, केरेटिन भी बचा के रखा भाई, ठीक है। ये फालतू सामान है भाई फेंक दे, चल डन 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 डन। अभी ना क्या करेंगे बताया क्या, इनकी पूरी इन्वेंट्री जो है ना गाइस वो कर देंगे ड्रॉप। चलो भाई साहब, ड्रॉप करने से उतने ज़्यादा जल्दी 4 मिनट में डिकम्पोज हो जाती है क्या? ओके, ड्रॉप करने से 4 मिनट में डिकम्पोज हो जाती है, ये सही है भाई। स्पेयर ले ले और ये भी फेंक देंगे गाइस, ठीक है डन। बोले बंदा देख, वो भाई वो बंदा बहुत स्मार्ट है, अपने ऊपर प्लांट एग्स लगा डाले यार, एक बार प्लांट एग्स लगा दे डाले ना तो भाई समझ लेना भाई, प्लांट एग्स लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला गाइस, ठीक है, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो? देखो 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 उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना है, वरना वो प्लांट एग्स के चक्कर में आके ना हमारी डायरेक्टली भुर्जी बन जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो देख रहे हो, शाना बंदा यार, मेरे को भाई ऐसी राफ्ट बनानी चाहिए भाई। अबे यहाँ पे क्यों रुका भाई, यहाँ पे क्यों रुका भाई इसके आग, अबे निकलना आगे, मेरे को भाई सामान डालने के लिए जा रहा है अंदर। अरे यार बंदा के यहाँ पे भी रुक रहा है क्या, दानी क्या कर रहा है? मैं नज़दीक नहीं जा सकता यार प्लांट एक से तब तक, क्योंकि मेरी लेवल जो ना उतनी ज़्यादा तगड़ी वाली नहीं है। सो फिलहाल के लिए ऐसे भाई रहना पड़ेगा जब तक इसकी बोट नहीं हटती है भाई। इसका जहाँ पे मैंने चेस्ट रखी वहीं पे इसको भाई वो लगाना था अपना, बताओ बोट लगानी थी यार, मैं बोट तो बना सकता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, अगर बोट बना डाला तो समझ लो लाइव जिंगा ला ना गाइज, बोर्ड बना के समंदर के बीच में डायरेक्टली ऑफलाइन चले जाएंगे गाइज, उसके आजू बाजू इसकी तरफ प्लांट एक्स जो है ना गाइज, लेकिन स्वाम्प में लेने के लिए जाना पड़ेगा। इस सर्वर में थोड़ा टाइम जो है ना गाइज खेलूंगा, मजा तो आएगा गाइज। हाँ हार्वेस्टिंग एकदम तगड़ी वाली करनी पड़ेगी बट मजा भी आएगा। अरे बंदे निकलना, एफके चला गया क्या ये? लेट मी ग्रैब माई गियर, आई फॉल बोले। अच्छा ये पता नहीं कौन बोल रहा है, ये बंदा कौन है समझ ना आ रहा है यार, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, निकल लेता हूँ। वो प्लांट एक्स की रेंज कितने देखना, प्लांट एक्स की रेंज थी यार, प्लांट एक्स की रेंज हाई कर रखी है लूंडे ने। वो भाई बंदा, वो बंदा देख रहे हो बंदा, भाई ये घर के अंदर घुस जाए, ये बंदा इस घर के अंदर घुस जाए तो मजा आ जाएगा गाइज, ठीक है। इसको चेप डालेंगे, अबे घुसना इस घर के अंदर घुस रहे। ओके ये निकल लिया, लेवल अप कर रहा है ना, ये लेवल अप कर रहा है।
चल रहा है भेज गया, देखा कर रहे लेवल अप करते हुए, आजू बाजू कोई एक ही नहीं भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई। प्लांट एक स्वप्न लेके आ रहा भाई, चलना चलना एंगल, नीचे उतर के मार ना दमे तो, दमे तो नीचे उतर के मार, भेज के आग हे क्या दम, हे क्या दम, हे क्या दम, भेज के आग नीचे उतर के मारने का, आ रहे नीचे उतर के मारने के लिए। आजा भेज के आग, आजा आजा, चिटिन का आर्मर लेके आया भाई लोंडा भाई, इतना भी बावड़ी पूछनी है मैं, एक काम कर ले चुपचाप घर के अंदर आ, आजा घर के अंदर, आजा आजा आराम कर घर के अंदर आ। आजा आजा ना, अरे भाड़ में जाए तू, जा दूसरे के घर में चुप्पे बैठेगा कोने में, आजा आजा, अरे बाबा अरे अरे, अबे मार, अबे पॉइजन नहीं, ये नहीं कर रहा है, अब बेहोश कर डाले ना ये, ट्रैप ट्रैप करके रख देगा यार, इसे मर जाऊंगा भले भले चाहे मर जाऊंगा भाई, लेकिन वो नहीं होऊंगा भाई, भले मर जाऊंगा मैं बट भाई उसके उसके हाथों ना आऊंगा भाई, मैं इसके हाथों नहीं आऊंगा, भले मर जाऊँ मर जाऊंगा बट, हाँ नाइस मर जाऊंगा बट भाई यहाँ पे जो है इसके हाथ पे ना चढ़ूंगा भाई, भेज गया लाड़ा मार दीज यार लोटा, मेरे पास वैसे कुछ अरे था ना सामान, मेरे को बक्से के अंदर डालने जाना था, वो लड़की को मारने के चक्कर में इसने देख लिया यार मेरे को, और ना चुपचाप जा रहा था गए जाके, मैं भी राफ्ट बना के घूमूंगा जैसे भाई, ठीक है मैं भी राफ्ट बना के घूमूंगा, काफी ज्यादा सेफ है गाइस यहां पे राफ्ट बना के घूमना, एक काम कर लेता हूं अभी के लिए, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मजा काफी ज्यादा आ रहा है सर्वर में, मर रहे मार रहे बट मजा आ रहा है भाई, राफ्ट बना के अगले एपिसोड से अपने बेस को अपग्रेड करने का काम कर देंगे अपन, चालू फ्लैग ले आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे गाइस यहां पे, इसको क्या बोले नुपीपी नुपीपी के अगले एपिसोड में, तब तक बाय गाइस, थैंक यू फॉर माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, सी यू लेटर गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get